हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। काफी अवेटेड चैप्टर था, बहुत दिनों से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे इस चीज के लिए कि क्लास नाजीज्म वाला चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो लीजिए, हमने नाजीज्म वाला चैप्टर ले आए हैं। अभी बेसिकली क्या है, यह जो पार्ट होने वाला, यह जो वीडियो होने वाला है, यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक आइडिया क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या है इस चैप्टर में कंटेंट वाइज। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिटलर का नाम हर बच्चे ने सुना है, ठीक है, तो उस सेंस में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है कि चलो हिटलर के बारे में जानेंगे, हिटलर ने क्या किया वो जानेंगे। तो हम वो सारे पर्सपेक्टिव देखेंगे, हिटलर कौन थे, क्या किया उन्होंने, ये सारी चीजें, उसी के साथ साथ उनकी आइडियोलॉजी, उन्होंने कैसे पावर में आए, ठीक है, क्या कारण थे, क्या फेवरेबल कंडीशंस थी, क्या अनफेवरेबल कंडीशंस थी, ये सारा सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर दो चीज देखी आपने, क्या नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये नाजीज्म क्या है, व्हाट इज नाजीज्म, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। हु इज हिटलर, तो हिटलर हम आपको दिखाते हैं, रुको, ये है हिटलर, ठीक है, हिटलर अंकल, और इसी के साथ में जैसे ये इनके साथ में, ये आपके एनसीईआरटी की बुक से फोटो लिया गया, तो ये कुछ फोटोज हैं। अब जो नाजीज्म की हम बात कर रहे थे, नाजीज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, उनका सिंबल क्या था, तो आप ये भी पढ़ेंगे चैप्टर में, ये फ्लैग हो गया नाजीज्म का, ठीक, ये बिल्डिंग जो है तो उनका घर नहीं है ये, ठीक, ये क्या है, ये वहां की पार्लियामेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिस्टैग के बारे में। ये फ्लैग है, कहां का फ्लैग है, ये जर्मनी का फ्लैग है जो आज भी है, और ये उनकी बिल्डिंग है जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारी दिल्ली में पार्लियामेंट है उस तरह से ये रिस्टैग है वहां की, ठीक। ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ में और क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम नाजीज्म को समझेंगे, हिटलर कौन है उन्हें समझेंगे, व्हाई वी आर स्टडिंग ऑल दिस, और हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो एक्टिविटीज हुई थी हिटलर के टाइम पीरियड पे, उसने कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री को शेप दिया है। इस पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर जैसे कुछ थिंकर्स होते हैं, कुछ हिस्टोरियंस होते हैं, वो पढ़ते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो आप इस चीज को अगर कंसिडर करोगे कि अगर हिटलर नहीं होते और उनके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए थे वो नहीं होता, तो आज वर्ल्ड का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कुछ और होता। तो इस सेंस में क्या है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो एक अलग डायरेक्शन में चली गई थी हिटलर के आने से और हिटलर के द्वारा जो चीजें की गई थी उसके बाद में, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर और देखते हैं कि जर्मनी और उसके साथ साथ में पूरा इशू समझेंगे हम, ठीक। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता, जर्मनी कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, कॉन्टिनेंट आप बताएंगे मुझे, कॉन्टिनेंट है यूरोप, हम किस कॉन्टिनेंट में है, इंडिया, एशिया में, तो ऐसे 7 कॉन्टिनेंट है। तो हम देखते हैं कि यूरोप में भी जर्मनी कहां पर है, यूरोप में जर्मनी कहां पर है, तो यूरोप में जर्मनी ये रहा, ठीक है, ये है जर्मनी, देख सकते हैं आप येलो कलर में जो विजिबल है, फ्रांस है, बेल्जियम है, अभी आपको ध्यान रखना मैं क्यों बता रहा हूं, फ्रांस बेल्जियम यहां पे है, ठीक है, पोलैंड यहां पे है, तो आपको इससे कुछ मैं आगे चैप्टर्स में रिलेट कराऊंगा कि जर्मनी की जो पोजीशन है तो पोलैंड से कैसे फिजिबल थी, फ्रांस से कैसे फिजिबल थी, तो ये पोजीशन आपको ध्यान में रखना है कि वेस्ट में साउथ वेस्टर्न कंट्री कौन सा है जर्मनी का, फ्रांस हो गया, और ईस्टर्न अगर कंट्री देखा जाए तो पोलैंड हो गया, इसके बाद में इधर लगा हुआ रशिया और दूसरी कंट्रीज हैं। तो आपका लोकेशन एक बेसिक लोकेशन ध्यान रखना है। अभी अगर कुछ बच्चे इसमें इंडिया ढूंढ रहे हैं तो बता दूं मैं, ये क्या है, ये यूरोप है, तो यूरोप में आपको इंडिया नहीं मिलेगा, हम सिर्फ यूरोप के मैप में देख रहे हैं, पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप है ये, तो यूरोप में इंडिया नहीं ढूंढना है आपको, मिलेगा नहीं, यहां जर्मनी हमने देख लिया, ठीक। अब ये जर्मनी की पोजीशन भी हमने देख ली, अब आते हैं हम किस चीज पे, आगे और देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जर्मनी और उसके साथ साथ में रिलेटेड होल इश्यूज को समझेंगे कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में चीजें बदली, हिटलर का वहां पे राइज देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी हिटलर ने वो सारी चीजें भी देखेंगे। प्रॉब्लम्स में क्या क्रिएट किया होगा हिटलर ने, तो जैसे वियमर रिपब्लिक और उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स थी वो समझेंगे हम, वियमर रिपब्लिक क्या थी ये भी बताऊंगा मैं आपको, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से चल रहे थे जर्मनी में वो सारा सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी वहां पे, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था वो भी समझेंगे। फिर इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स से जन्म किसको मिला था, हिटलर को मिला था, तो हिटलर राइज टू द पावर, ठीक है, तो हिटलर किस तरह से पावर में आए वो सारी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हम देखेंगे कि हिटलर ने पावर में आने के बाद में जो उनका आइडिया था, क्या था आइडिया हिटलर का, स्प्रेड ऑफ नाजीज्म, नाजीज्म क्या है जो उनकी आइडियोलॉजी थी जिसे हम डिस्कस करने वाले चैप्टर में, तो नाजीज्म आइडियोलॉजी को समझेंगे और उससे रिलेटेड इश्यूज को समझेंगे, उससे रिलेटेड इश्यूज को मतलब हम समझेंगे कि कैसे हिटलर ने पावर में आए और क्या किया, तो हाउ वाला डायमेंशन समझेंगे, वाई वाला डायमेंशन समझेंगे कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया, फिर वॉट वाला, ठीक है, तो क्या क्या था वो सारा सब कुछ समझेंगे। इसी के साथ साथ में क्या है, जैसे अल्टीमेटली हम आज हिटलर को क्यों याद करते हैं, क्योंकि ही कमिटेड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, मानवता के
अगेंस्ट में उन्होंने एक तरह से क्या किया, एक अपराध किया था। तो क्या अपराध था? वर्ल्ड पीस की जो बात करते हैं हम, कि जो वर्ल्ड में पीस थी उसे डिस्टर्ब किया था हिटलर ने, वो कैसे किया था? तो थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाला जो एक टैग दिया जाता है हिटलर को, वो भी समझेंगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हिटलर और हिटलर से जुड़े हुए जितने भी इफ्स एंड व्हाट्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, पोजिशनिंग बताइए कहां पे जर्मनी है, उसी के साथ साथ में हिटलर भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जर्मनी में जो सिचुएशन थी वो डेटोरिएट हुई है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो स्टोरी ऑफ हेलमट के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।